सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, BSNL, जियो और एयरटेल के यूजर्स हैं तो आपको एक आज की वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उससे तुरंत नेटवर्क आना शुरू हो जाएगा। उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। जैसे कि दोस्तों बता दूं, अगर आपके भी मोबाइल में नेटवर्क कनेक्शन की समस्या का सामना करते हैं तो आपके लिए खबर काम की रहने वाली है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिससे आप BSNL, जियो, एयरटेल के नेटवर्क के कनेक्टिविटी की समस्या को दूर कर सकते हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। अगर इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ जारी ना हो तो हमारे कई सारे काम रुक जाते हैं। जैसे कि दोस्तों बता दूं, अगर फ़ोन में ठीक से नेटवर्क ना आए बड़ी परेशानी होने लगती है, और नेटवर्क कवरेज डाउन होने से ना तो हम कम्युनिकेशन ठीक से कर पाते हैं ना ही इंटरनेट चला पाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की सामना लोगों को करना पड़ता है दोस्तों। तो गाइस, आज के वीडियो में कुछ टिप्स रहने वाला है जिससे आपकी कनेक्टिविटी सुधर सकती है। तो मोबाइल नेटवर्क ना आने पर ये चीज़ें करके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर, अगर आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क कवरेज ठीक से नहीं आ रही है तो आपको एक बार अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में सेट करें और उसे ऑन ऑफ करना चाहिए। दूसरी, कई बार कई दिनों तक लगातार फ़ोन के ऑन रहने से भी नेटवर्क समस्या आने लगती है, इसलिए नेटवर्क में दिक्कत आने पर एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट करके ज़रूर देखना चाहिए। अगर फ़ोन को रिस्टार्ट करने पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो एक बार मोबाइल नेटवर्क में जाकर नेटवर्क ऑप्शन को चेंज करके देखें। नेटवर्क सेटिंग में आपको नेटवर्क रिसेट करने का भी ऑप्शन मिलता है, उसे भी कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर बताए गए सभी प्रयास कर लिए हैं और फिर भी नेटवर्क कवरेज ठीक से नहीं आ रहा है तो आप एक बार अपने सिम कार्ड को बाहर निकालें, सिम को कॉटन से के कपड़े से साफ़ करें और फिर से सेट करके देखें। कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने की वजह से भी नेटवर्क में समस्या होने लगती है। अगर आपने अपने फ़ोन को कई महीनों से अपडेट नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें, इससे आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, छोटे मोटे टिप्स है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। मेरे भी जियो के नेटवर्क से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, ये ट्रिक अपनाने के बाद मेरे भी कुछ नेटवर्क में सुधार देखने को मिला है गाइस। तो आप भी करके देखिए, एयरप्लेन मोड में डालिए, ऑन ऑफ़ करके देख लीजिए। कई दिनों तक लगातार ऑन रहता है इसलिए भी होता है, रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। अगर फ़ोन को रिस्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मोबाइल नेटवर्क में जाकर आप उसे ऑप्शन चेंज कर लीजिए, नेटवर्क चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे वोल्टी 5G 4G करके चेक कर लीजिए। अगर ये सब करने के बाद भी आपको नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो सिम कार्ड को बाहर निकालिए, उसे साफ करके लगा के देखिए। और अगर आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो उसे भी करके देख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होने की पूरी गुंजाइश है। होप सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स लॉट।